लोग देख सकते हैं फाइनली हमारे मज़ेदार किस्म के चिकन विंग्स बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग बाहर जाके बहुत फेमस किसी चेन के खाते हैं, तो रेडी हो चुके हैं बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। जो भी घर में आपके पास सामान था उसके साथ अच्छी सी आप इसकी प्रेजेंटेशन करें और रमज़ान में भी बनाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, फैमिली को भी खिलाएं। और हो सकता है तो इसको कोई मसला नहीं, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर में आप 180 डिग्री पे 10-10 मिनट्स के लिए फ्लिप करके दोनों साइड से बना सकते हैं। मैंने डीप फ्राई करें, डीप फ्राई में तो इसका मज़ा बिल्कुल लाजवाब है। चलें इंशाल्लाह ताला इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा रहा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी लेके रजनी के किचन में हाजिर होंगी। फिर मिलते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को रजनी के किचन में एक और शानदार रेसिपी के साथ खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार किस्म के, आप लोगों ने देख लिए होंगे कि स्किन के साथ ये विंग्स हैं। तकरीबन ये 7 to 8 पीसेज हैं विंग्स के मेरे पास, और ये आज आप लोगों को फेमस से फेमस आप ब्रांड के विंग्स भूल जाएंगे जो आप लोग जाके बहुत एक्सपेंसिव खाते हैं और बिल्कुल आप लोग वाह वाह करेंगे। ये वो चेन्स जो आजकल लोग अवॉइड भी कर रहे हैं, तो वो वाली चेन्स के भी आप जो भी विंग्स वगैरह हैं ये आप घर में बना के खा सकते हैं और बहुत सस्ते और बहुत इकोनॉमिकल। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को विंग्स दिखा दिए थे, अब सबसे पहले हम उनकी मैरिनेशन डन करेंगे। ये तकरीबन मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, बहुत सिंपल, जो घर में आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ ही ये रेडी हो जाएगा। और उसके साथ चिली सॉस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लें, नहीं तो अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ही लूँगी। और इसके साथ चला जाएगा इसमें काली मिर्च, काली मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, आपने विंग्स देखे थे विद स्किन, मैंने उसमें ये किया था कि जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के रख दिया था। और इसके साथ चला जाएगा इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट, क्योंकि बाकी अभी हम इसका जो मतलब एक फर्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं, फर्स्ट मैरिनेशन में सॉल्ट डालेंगे, सेकेंड मैरिनेशन में डालेंगे वो थोड़े ज़्यादा क्वान्टिटी में डालेंगे। अब उसके साथ चला जाएगा कैचअप, जो कि तकरीबन जाएगा आपकी अपनी मर्ज़ी है, 4 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, और उसके साथ ये सब अच्छे से मिक्स करूँगी, मिक्स करके इसकी सारी मैरिनेशन डन करूँगी और फिर लगाऊँगी विंग्स के ऊपर। जी व्यूअर्स, ज़बरदस्ती हमारी लजीज किस्म की मैरिनेशन डन हो गई, आप लोग देख सकते हैं। 8 to 9 पीसेस के लिए ये इनफ है, आप लोग चाहें तो ग्लव्स पहन के या बगैर ग्लव्स के, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। मैरिनेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 2 आवर्स, तो अच्छे से आपके ये विंग्स बन जाएंगे। इसमें आपको ज़रूरत भी नहीं होगी इस किसी भी चीज़ की कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको हल्का सा स्टीम करना है या कुछ करना है। मैं 1 by 1 इसको अच्छे से डालती जाऊँगी और फिर मैंने ग्लव्स पहने हुए, मैं इनको मिक्स कर लूँगी और ये बहुत लजीज किस्म के विंग्स बनते हैं। और इसका जो ड्राई हम लोग कौन सा बैटर डन करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो चले अच्छे से मैं इसके ऊपर कोटिंग करती हूँ और एटलीस्ट इसको 2 आवर्स के लिए रखती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं 2 आवर्स के बाद। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 आवर्स हो चुके हैं, विंग्स अच्छे से हमने जो सॉस में मैरिनेट करके आपको दिखाए थे वो डन हो गए हैं। अब क्या क्या डलेगा इसमें ही आप लोग देखते जाएं। इस तरह का बड़ा सा एक ले लीजिएगा बोल, ये तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास मैदा है और 1/2 कप के करीब कॉर्न स्टार्च है, ऑल पर्पस वो जो कॉर्नफ्लावर होता है। और उसके साथ ही कुछ ड्राई स्पाइस है, ये देख लीजिए बहुत सिंपल से, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है और 1 टीस्पून ही पेपरिका पाउडर है। इसके साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को अगर लगता है कि आपका सॉल्ट कुछ कम है तो आप लोग यहाँ पे सॉल्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने सॉस में भी सॉल्ट डाला था और उसके साथ हमारे सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी और फिर अच्छे से मैं सारे इसको बैटर को मिक्स करती हूँ। और इसमें हम लोग चिकन को किस तरह से करते हैं मिक्स और फिर क्या करते हैं प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से, ये आप लोग सारे विंग्स के ऊपर जो ड्राई वाला बैटर है ये अच्छे से लगेगा, दबा दबा के आप लोग लगाएंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि बड़ा बोल लेने में ईजी रहेगा और स्पेस होती है, तो अच्छे से इनको सबको मिक्स भी हो जाएंगे। बहुत यमी ये विंग्स बनते हैं, बिल्कुल महंगी ब्रांड्स के जो आप जाके खाते हैं, और फिर आजकल तो आपको पता है कि थोड़ा अवॉइड ही कर रहे होते हैं इन सारी ब्रांड्स को। तो अच्छे से इसको मैं यहाँ पे लगा के, अब आप देखें सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, मैं इसको उठाऊँगी इस तरह से हल्का सा झाड़ूंगी और फिर इसके बाद, ये बहुत कोल्ड वाटर नहीं है, ये नॉर्मल पानी है जो टैप वाटर होता है उसमें मैंने इसमें डाला, जो हाथ मेरा क्लीन है उससे, और फिर वापस से मैंने
जो हमने स्टार्च का उसका बैटर बनाया था उसमें डाल के बहुत आराम आराम से तसल्ली के साथ इसकी कोटिंग करेंगे और बिल्कुल प्रॉपर तेज़ ऑयल गरम हुआ हुआ होगा उसमें हम इन्हें फ्राई करेंगे और हमें मज़ेदार किस्म के विंग्स रेडी हो जाएंगे। तो चलें मैं इन सारे विंग्स को रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं शानदार चिकन विंग्स हमारे रेडी हो रहे हैं। बहुत इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इसको रेडी कीजिएगा, घर में बनाइएगा। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप लोग एक ये मेन डिश में रख लें राइस के साथ, दाल चावल के साथ, बहुत मज़े के। तो ये अब बस मेरे मैरिनेट होके भी रखे हुए, बस मैं इनको फ्राई करती हूँ, फ्राई करके आपको अच्छे से डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, फाइनली हमारे चिकन विंग्स रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें क्रंच आया है कि बिल्कुल बेहतरीन, बस ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बाजार से अभी हमने मंगाया। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ज़रूर बनाइएगा इसको, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने आप लोगों की। इंशाल्लाह ताला रजनी के किचन में रमज़ान से पहले मज़ेदार मज़ेदार किस्म की वीडियोज़ रेसिपीज़ आती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।